हेलो दोस्तों, क्लास 11 फिजिक्स में आज विमीय विश्लेषण की तीसरा पार्ट लेकर आया हूं, जो दो वीडियो इसके पहले पढ़ा चुका हूं। तीसरे वीडियो में विमाओं का उपयोग हम समझेंगे। विमाओं का उपयोग किन किन बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट, भौतिक नियतांकों के विमीय सूत्र तथा मात्रक ज्ञात करना। दूसरा उपयोग है किसी भौतिक राशि के समीकरण की सत्यता की जांच करना। तीसरा उपयोग है किसी भौतिक राशि के सूत्र स्थापित करना। चौथा उपयोग है विमीय विधि से एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। तो ये चार उपयोग हैं। अब चारों उपयोग को एक एक करके हम देखेंगे। जैसे यहाँ उपयोग फर्स्ट हम देखें, फर्स्ट उपयोग का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो यहाँ न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियतांक, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम F बराबर जी एम वन एम टू अपान आर स्क्वायर में गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमीय सूत्र तथा मात्रक बताओ। दूसरा प्रश्न है कूलम्ब के नियम F बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर में एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र तथा मात्र बताओ। ये दो क्वेश्चन है उपयोग नंबर वन में हम देखेंगे इन दोनों क्वेश्चनों को, और एक एक करके चारों क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। ठीक, अब उपयोग नंबर वन में पहला क्वेश्चन है एफ बराबर जी एम वन एम टू अपान आर स्क्वायर। अगर यहां देखा जाए तो एफ जो है दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, एम वन पहले पिंड का द्रव्यमान, एम टू दूसरे पिंड का द्रव्यमान, जी वो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, आर दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। अब देखो, अब यहां में जी का अगर विमीय सूत्र और मात्रक ज्ञात करना है तो g बराबर f इंटू आर स्क्वायर अपान m1 m2 हो जाएगा। यहां से देखें m का विमीय सूत्र हम निकाल चुके, f का विमीय सूत्र निकाल चुके हैं। f का विमीय सूत्र होता है mLT माइनस 2, अर्थात बल का विमीय सूत्र mLT माइनस के 2 होता है। दोनों पिंडों के बीच की दूरी r जो है दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर का जो विमीय संकेत होता है वो क्या होता है, कैपिटल L होता है। तो जहां r है वहां हम क्या लिखेंगे, एल लिख देंगे, तो हो जाएगा एल स्क्वायर अपान एम वन एम टू, दोनों द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, किलोग्राम का संकेत कैपिटल M होता है, तो हम दोनों के स्थान पे कैपिटल M लिख देंगे। अब यहां हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, देखो यहां एल स्क्वायर है यहां एल वन है, हो जाएगा एल क्यूब हो जाएगा अपान ये हो जाएगा एम घाते टू। अब घात ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ये एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, यही होगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमीय सूत्र। ये है विमीय सूत्र, विमीय सूत्र कैपिटल जी का मात्रक कैपिटल जी के। देखें देखो किलोग्राम जो है, किलोग्राम का जो संकेत होता है विमीय संकेत कैपिटल एम होता है, तो कैपिटल एम के स्थान पर हम किलोग्राम लिख देंगे, और कैपिटल एल का जो कैपिटल एल विमीय संकेत है मीटर का, तो जहां कैपिटल एल है वहां क्या लिख देंगे, मीटर रख देंगे। कैपिटल टी विमीय संकेत है सेकेंड का, तो जहां टी है वहां क्या लिख देंगे, सेकेंड रख देंगे। ये हो जाएगा कैपिटल जी का मात्रक और ये विमीय सूत्र। दूसरा उपयोग देखो,
पहले उपयोग में फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो एफ बराबर होता है 1/4 πε0 Q1 Q2 / कितना आर स्क्वायर। अब यहां एप्सिलॉन नॉट के अगर हम बीमी सूत्र निकालेंगे तो पहले एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल लेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट का मान जो होगा Q1 Q2 / हो जाएगा आपका 1/4 πε Q1 Q2 / f(r² हो जाएगा। अब ये एक संख्यात्मक है, बताएं कि कोई संख्या या कोई कांस्टेंट पद का कोई बीमा नहीं होता, इसलिए इनका कोई बीमा नहीं होगा, तो अब इसे हम छोड़ देंगे। तो जाएगा ε₀ = Q1 Q2 / f(r²। तो ε₀ बराबर ये है आपका आवेश, आवेश का जो बीमी सूत्र होता है यहां लिख दे रहे हैं Q बराबर होता है I × T। I है विद्युत धारा, विद्युत धारा को जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, एम्पियर का बीमी संकेत कैपिटल या कैपिटल ए होता है, इसका कैपिटल T हो जाएगा, तो Q का बीमी सूत्र हो जाएगा AT। तो यहां हम लिख देंगे AT और इसका भी हो जाएगा कितना AT/MLT-2। बल का बीमी सूत्र होता है MLT-2। अब ये दूरी है तो यहां हो जाएगा L2 हो जाएगा। तो ε₀ बराबर हो जाएगा A²T²/m, यहां L स्क्वायर है, यहां L है, तो हो जाएगा L³T-2। अब इसे अंश में ले जाएंगे तो ε₀ बराबर हो जाएगा आपका m-1 L-3। ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस T⁻² और T⁻² कितना हो जाएगा T⁴, तो हो जाएगा आपका A⁻² ये हो जाएगा ε₀ का बीमी मात्रक हो जाएगा इसका −1। इसका हो जाएगा m·Q। इसका हो जाएगा σ⁴। देखो इसे और थोड़ा मात्रक किलोग्राम का संकेत m होता है, तो जहां m है वहां किलोग्राम लिख देंगे, मीटर का संकेत l होता है, तो जहां l है वहां मीटर रख देंगे, समय सेकेंड का बीमी संकेत t होता है, तो जहां t है वहां सेकेंड रख देंगे, और ये जो है आपका एम्पियर, यहां लिख देंगे एम्पियर का बीमी संकेत क्या होता है, तो यहां छोड़ देंगे। ये होता है ε₀ का बीमी सूत्र और बी मात्रक। जहां में अगर देखें ε₀ जो है निर्वात में विद्युतशीलता, इसे कहते हैं निर्वात में विद्युतशीलता, Q1 जो है Q1 या Q2 आवेश है, F जो है बल है, ε₀ को हम कहते हैं, इसे कहते हैं F
इसे F बराबर क्या है, बल है। अब प्रथम उपयोग में ये दो क्वेश्चन कराया गया है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे किसी भी भौतिक राशि की समीकरण की सत्यता की जांच करना।